अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय तो राम भगवान को सिर्फ 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन कुछ कैकेयी और मंथरा की तरह ट्वीट करने वालों की वजह से मंदिर निर्माण में इतने साल का वनवास झेलना पड़ा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 4 इमली स्थित शिव मंदिर में पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया और सुंदरकांड में शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर के अभिजीत मुहूर्त पर जैसे ही पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया वैसे ही शंख बजाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर भी सुंदरकांड का पाठ हुआ। मिश्रा के निवास पर दिवाली सा नजारा देखने को मिला। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को राम जन्मभूमि शिलान्यास की बधाई दी। काम है अब काहे काहे राम है, जीवित रहे तो जग जीवन लाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। अब तो यह काम भी रुकेगा नहीं राम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि श्री राम को उस समय 14 वर्षों का वनवास हुआ था, लेकिन कुछ मंथरा और कैकेयी जैसे लोगों की वजह से राम जन्मभूमि के लिए इतने वर्ष लग गए। उन्होंने कहा, ये मंथरा और कैकेयी सुबह सुबह ही ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज के दिन वे कुछ नहीं कहेंगे। नरोत्तम ने कहा कि बहुत से कार सेवकों की भक्ति और तपस्या का परिणाम है कि आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है। आत्मा भाव विभोर, प्रसन्नता के ये क्षण सच में आज प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य सरसंघ चालक जी भागवत जी आज शिलान्यास करने वाले हैं। 500 साल का संघर्ष, हजारों हजार कार सेवक और राम भक्त कुर्बानी दे चुके। उस समय तो राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर इस दौर में सैकड़ों साल सिर्फ कुछ कैकेयी और मंथरा जो सुबह ही ट्वीट कर देती है उनके कारण से इतना लंबा वनवास झेलना पड़ा। मैं तो आज के दिन ऐसी कैकेयी और मंथराओं जो अकारण के ट्वीट करके वातावरण को कुलुषित करते हैं, ऐसे पवित्र भाव को भी खंडित करने की जो कोशिश करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। क्योंकि आज का दिन सिर्फ राममय का दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबसे भी प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, गवाह बने और राम धुन में मग्न हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।